आज के वीडियो में मैं आप लोगों को द्रव एवं वायु अभियंत्रिकी के बारे में बताऊंगा। द्रव होता है हमारा कोई भी तरल पदार्थ, वायु हवा, ठीक है। इसके बारे में ये कैसे कार्य करते हैं और इनका अभियंत्रिकी में क्या उपयोग है या क्या प्रयोग हम कर रहे हैं, ठीक है। आजकल देख रहे हैं इसका क्या प्रयोग हमारे अभियंत्रिकी में हो रहा है, उद्योगों में हो रहा है। तरल अभियंत्रिकी, इसमें तरल द्रव गैस की स्थैतिक एवं गतिक स्थितियों का अध्ययन किया जाता है, यानी रुकी हुई गति और चलने वाली गति दोनों का अध्ययन किया जाता है तरल अभियंत्रिकी के अंतर्गत। दूसरा है हमारा तरल शक्ति। तो तरल शक्ति हमारी दो प्रकार की होती है, एक हाइड्रोलिक और दूसरा है न्यूमेटिक। तो हाइड्रोलिक पहले मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, इसके बारे में बताता हूँ। हाइड्रोलिक शक्ति परीक्षण का साधन है, यानी कि पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए भी हम हाइड्रोलिक का प्रयोग करते हैं। इसमें द्रव को एक निश्चित सीमा तक, एक द्रव के द्वारा हम पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजेंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, निश्चित सीमा होगी। निश्चित सीमा तक दबाव डालकर या दबाव देकर शक्ति पारेषण करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने उदाहरण के लिए आपको लिख रखा है, जैसे हमारी जेसीबी मशीन, सभी लोगों ने देखी होगी कि जेसीबी मशीन, इसमें सिलेंडर होते हैं जो हमारे, तो उसमें आयल भरा रहता है। उस आयल के प्रेशर से, ठीक है, यहाँ लिखा है द्रव, आयल जो होगा वो द्रव में ही आएगा, द्रव में ही हमारे आयल आता है, ठीक है। तो आयल के प्रेशर से जेसीबी के सिलेंडर चलने का और रोकने का कार्य करते हैं। इसमें कुछ निश्चित दबाव बनाया जाता है या निश्चित सीमा तक दबाव दिया जाता है। देखा होगा आप लोगों ने जेसीबी कितना अच्छा कार्य कर रही है, और हमारे ट्रक, बस, ट्रैक्टर आदि मशीनों में इसका प्रयोग हो रहा है, किसका, हाइड्रोलिक का, ठीक है। इसके बाद हम आपको हाइड्रोलिक के गुणों के बारे में बताते हैं कि इनके गुणों में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए या इसके गुण क्या क्या होने चाहिए, ठीक है। तो पहला दिया हुआ है विस्कोसिटी या स्यानता, बह गुण, जो बहने से रोकता है। अगर ज़्यादा पतला हमारा आयल होगा हाइड्रोलिक प्रेशर में प्रयोग होने वाला, तो वो पतला होने के कारण लीकेज हो सकता है या बह सकता है, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए कि ना ज़्यादा पतला हो और ना ज़्यादा गाढ़ा हो। ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो भी वह चलने में दिक्कत करेगा। दूसरा है स्यानता गुणांक, प्रवणता धारा द्वारा उत्पन्न अपरूवण प्रतिबल को, ठीक है, स्यानता गुणांक कहते हैं। नेक्स्ट है संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी का संपीड्यता, बाहरी बल के दबाव से, यानी जो बाहर से बल लगता है उसके दबाव से आयतन कम होना, जो आयतन कम होता है वो गुण हमारा संपीड्यता के अंतर्गत आता है। यानी बाहर से कोई बल लगेगा, जैसे हमारे बॉडी पर भी वायुमंडलीय दबाव होता है, अगर हटा दिया जाए तो हमारी शरीर की जो बाहर सी परत है या मसल्स हैं वो फटने लगेंगे, ठीक है, दबाव हटने से। ये गुण संपीड्यता का है, वो इसके अंतर्गत आता है। विशिष्ट आयतन, तरल के इकाई द्रव्यमान का आयतन विशिष्ट ऊष्मा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बाष्प दबाव या बाष्प दाब, बाष्पित कण बर्तन से भरे द्रव की सतह पर दबाव डालते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बर्तन से भरा हुआ जो द्रव है उसकी सतह पर दबाव डालते हैं, ठीक है। ऊष्मीय प्रसार, फ्लूड में ऊष्मीय प्रसार होता है जिससे मशीन ठंडी रहती है। अगर उसमें ऊष्मा बाहर ना निकले, प्रसार का मतलब होता है बहना,
अगर ऊष्मा बाहर ना निकालने का गुण हमारे हाइड्रोलिक में ना होगा तो अंदर गर्मी बनी रहेगी और गर्मी से हमारी मशीन खराब हो सकती है। ज्वलनशीलता, अधिक घनत्व होने से गर्म होकर आग ना लगे, ठीक है, तो इसके लिए ज्वलनशीलता का गुण होना चाहिए कि मशीन में घनत्व अधिक होने पर आग से बचाया जा सके, आग ना लगे, ठीक है। भाप, नेक्स्ट है भाप बनने की प्रवृत्ति, द्रव में जो है हमारे भाप बनने की प्रवृत्ति के बारे में दिया है। कम ताप पर ऐसा द्रव नहीं होना चाहिए जो कम तापमान पर भाप में बदलने का गुण रखता हो, ठीक है, तो हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो कम तापमान पर भाप में ना बदले, ठीक है, भाप में नहीं बदलने वाला होना चाहिए। जंग रोधकता, इसके बाद में अगला है जंग रोधकता, नमी होने पर ऐसा द्रव होना चाहिए कि नमी होने पर जंग ना लगने वाला गुण इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है, कि जंग ना लगे। नेक्स्ट है आग से सुरक्षा, उच्च फायर रेजिस्टेंस का गुण हमारे द्रव में होना चाहिए, नहीं तो अगर ये गुण नहीं होगा हमारा आग से सुरक्षा वाला, यानी उच्च फायर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो आग लग सकती है, ठीक है, समझ में आया होगा आपको, बहुत अच्छे से समझाया मैंने, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेना। इसमें से हो सकता है कि एक गुण के बारे में या एक नंबर में एक क्वेश्चन यहाँ से मिले, ठीक है।